नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है किसान जमींदार और राज्य। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कुल मिला के चार टॉपिक समझने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले मुगल साम्राज्य के जाति और ग्रामीण माहौल की बात करने वाले हैं कि जाति के आधार पर क्या भेदभाव वहाँ पर होता था, नहीं होता था, ठीक है, किसानों में कौन सी जातियाँ थी, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। इसके अलावा हम समझेंगे मुगल पंचायत के बारे में, ठीक है, ग्राम पंचायत जो था, यानी कि जो पंचायत और मुखिया जो थे उनके बात हम करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 8 नंबर में पूछा जाता है, पूरे 8 नंबर में, ठीक है। उसके बाद हम ग्रामीण दस्तकार की बात करेंगे, दस्तकार यानी कि आप शिल्पकार कह सकते हैं इनको, है ना, शिल्पकार जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं उनकी हम बात करेंगे। और आखिरी में आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वह है एक छोटा गणराज्य वाला भी टॉपिक हम समझने वाले हैं। तो चार टॉपिक रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल जाति और ग्रामीण माहौल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मतलब लोग थे जिनको नीच समझा जाता था या नीच समझे जाने वाले कामों में लगे हुए थे उसमें, बहुत सारे किसान, है ना। इसके अलावा बहुत सारे किसान कहीं ना कहीं मजदूरी किया करते थे, मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग भाई ऐसे थे जो गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर थे, उनको कोई काम नहीं मिलता था। खेती लायक ज़मीन की उस समय कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों जो मतलब किसान वगैरह थे या लोग थे उनको, उनसे जबरन घर वगैरह, घर के जो काम है, घर के कामकाज करवाया जाता था। अब कुछ एग्जांपल हम देखेंगे जो भेदभाव को दर्शाता है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय में हलाल खुराना होते हैं। हलाल खुराना वही जो मीट वगैरह बेचने का काम करते हैं, उन्हीं को मेरे हिसाब से हलाल खुराना बोलते हैं, ठीक है। तो हलाल खुराना है उनको नीच समझा जाता था और उनको गाँव के बाहर रहना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा बिहार में हम देखेंगे, बिहार में मल्लाह ज़्यादा का मतलब है नाविकों का पुत्र, जो मतलब मल्लाह होते हैं, जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, जो नाव चलाते हैं ना, उनको बोला जाता है मल्लाह ज़्यादा, ठीक है। तो मल्लाह ज़्यादाओं की भी स्थिति कुछ ऐसी थी और इनको दासों से तुलना इनकी की जाती थी, ठीक है। पुराने समय में दास होते थे ना, गुलाम जैसी इनकी ज़िंदगी थी, ऐसा कह सकते हैं, उनसे तुलना करते थे एक तरीके से, ये पॉइंट आप बता सकते हैं इसमें। इसके अलावा 17वीं सदी में एक एग्जाम्पल मिलता है कि जो राजस्थान की जो मारवाड़ एक जगह है, मारवाड़, वहाँ पर राजपूत और जाट दोनों ही किसान थे, राजपूत भी किसान थे और जाट भी किसान थे। लेकिन अगर हैसियत की बात करें तो जाटों से मतलब जो जाट थे उनकी स्थिति या उनकी हैसियत राजपूतों से नीची मानी जाती थी, तो ये भी भेदभाव को दर्शाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जाति के आधार पर मुगल ग्रामीण समाज में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे मुगल पंचायत व्यवस्था की, है ना, पंचायत की भूमिका क्या है, किसका गठन कैसे होता था, क्या चीज़ है, मुखिया का चुनाव किस तरीके से किया जाता था, उसको हम इसमें समझने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको आप समझें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायत का गठन कैसे होता था। तो देखो, मुगल ग्रामीण समाज का जो पंचायत है उसमें बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, जो उम्रदराज के लोग होते थे उनका जमावड़ा होता था, वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे फैसले वगैरह लिया करते थे इसमें, ठीक है। और ये गाँव के ऐसे महत्वपूर्ण लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे, है ना, जिनके पास पुस्तैनिक संपत्ति का अधिकार होता था, वो इसमें भाग ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे, ठीक है। और ये एक ऐसा अल्पतंत्र था, अल्पतंत्र यानी कि एक छोटा सा तंत्र कह सकते हैं, छोटी सी व्यवस्था, जिसमें गांव सभी गांव की जितनी भी जातियाँ हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, उन सबकी नुमाइंदगी होती थी। नुमाइंदगी मतलब कि सबका अपना प्रतिनिधित्व होता था, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलता है, है ना। पंचायत का जो भी फैसला होता था वो सभी को मानना होता था, ये चीज़ आप पंचायत के गठन में बता सकते हैं। अब एक हेडिंग हम बनाएंगे, मुखिया का चुनाव। भाई मुखिया का चुनाव कैसे होता था, देखो पंचायत का जो सरदार था एक मुखिया होता था, है ना, पंचायत के सरदार को हम क्या बोलते थे, मुखिया, और जिसे हम मुकद्दम या फिर मंडल भी कहते थे, और किस नाम से जानते हैं, मुकद्दम या फिर मंडल, ठीक है। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग लोग करते थे, जो उम्रदराज के लोग हैं, जो बुजुर्ग है वो क्या करते थे, मुखिया का चुनाव किया करते थे। और चुनाव के बाद इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी होती थी, जब जमींदार मंजूरी दे देता था तो उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को बुजुर्गों ने चुना है उसको फिर मुखिया बना दिया जाता था, है ना। अब मुखिया भाई अपने ओहदे पर तभी तक बना रह सकता था जब तक बुजुर्ग लोगों का भरोसा उस पर है, जैसे ही उसने भरोसा खो दिया उसको इस पद से हटा दिया जाता था, है ना। अब मुखिया का सबसे मेन काम क्या होता था, गांव की आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब रखना, और इसमें जो गाँव का पटवारी होता था वो उसकी क्या करता था, मदद करता था। पटवारी हम उसे कह सकते हैं जो ज़मीन वगैरह की जानकारी रखता है, ज़मीन
का हिसाब किताब जो रखता है उसको हम कहते हैं। तो पटवारी उसके हिसाब किताब लेन देन में भी क्या करता था, एक तरीके से जो भी आमदनी है और जो खर्चा है उसका हिसाब किताब रखने में मुखिया की मदद किया करता था पटवारी। ठीक, अब हम पंचायत की आम खजाने की बात कर लेते हैं। एक आम खजाना था, मतलब आम खजाना जो सभी लोगों से के एक तरीके से अनुदान से बना हुआ था। ठीक है, तो पंचायत का जो खर्चा था वो इसी आम खजाने से चलता था, जिसमें गांव का हर एक व्यक्ति क्या करता था, योगदान दिया करता था। मतलब सभी लोग क्या करते थे, इसमें पैसे डोनेट किया करते थे, इसी से गांव का खर्चा चलता था। अब इसी खजाने से अगर कोई कर अधिकारी गांव में आ रहा है तो उस अधिकारी के स्वागत के लिए इसी खजाने का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। इसी खजाने का इस्तेमाल कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उससे निपटने के लिए भी इसी का यूज किया जाता था। कुछ सामुदायिक कार्य थे जिसको किसान खुद नहीं कर सकते थे, अकेले दम पे नहीं कर सकते थे, जैसे कि कुएं खुदवाना हो या फिर बांध बनवाना हो, है ना, नहर खुदवाना हो, तो उसके लिए क्या होता था, इस खजाने का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम मुखिया के कार्य की बात कर लेते हैं। मुखिया या फिर पंचायत का कार्य आपके एग्जाम में अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ज़्यादातर चांस होता है कि 8 नंबर में आए। ठीक है, पूरा मतलब पूरा पंचायत की भूमिका का जो टॉपिक है वो 8 नंबर में आता है, वैसे ही मुखिया का कार्य अलग से आ सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं मुखिया का कार्य। भाई मुखिया का कार्य क्या होता था, तो मुखिया का सबसे मेन काम होता था ये देखना कि सभी लोग अपने जाति के हद में रहे, कोई जाति के बाहर जाके मतलब शादी वगैरह ना करे। ठीक है, तो इसीलिए पुराने समय में जितनी भी शादियाँ होती थी मुगल काल में, वो मंडल या मुखिया के निगरानी में ही शादी हुआ करती थी। ठीक है, अब जाति की अवहेलना को रोकने के लिए वो क्या करता था, लोगों के आचरणों पे, लोगों के व्यवहारों पे मुखिया नज़र रखा करता था। ठीक है, तो अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता था, या फिर उसको कोई दंड दे सकता था, उसको गांव से निष्कासित भी कर सकता था, गांव से दोषी व्यक्ति को निकालने का हक भी मुखिया को था। अब हम जाति पंचायत की बात कर लेते हैं। ये तो हमने ग्रामीण पंचायत की बात कर ली, लेकिन हर एक जाति की मुगल साम्राज्य में क्या था कि हर एक जाति की खुद की अपनी पंचायत हुआ करती थी, हर एक जाति की, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हुआ करते थे, है ना। इनका मेन काम क्या था कि जातियों के अंदर जो भी मौजूद जो भी दीवानी झगड़े हैं, यानी कि ज़मीन से जुड़ी जो दावेदारी के जो मुद्दे हैं, उसको निपटाने का काम जाति पंचायत करती थी, है ना। और इसके अलावा यह जाति पंचायत को यह तय करने का अधिकार था कि जो शादियाँ है वो सही से हो, शादियाँ जाति के मापदंडों के अनुसार ही हो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक लड़की जो है वो किसी और जाति की है, लड़का किसी और जाति का है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब शादियाँ एक ही जाति में हो, इस चीज़ के ऊपर ही पूरी तरीके से जाति पंचायत ही ध्यान रखती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब पंचायत की भूमिका में बताने, 5 हेडिंग में आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, सारे आंसर को आप लिख सकते हैं। आप कोशिश करेंगे जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसको आप नोट्स के तौर पर बना सकते हैं, वहाँ से पॉइंट्स को लिख सकते हैं। दोस्तों, हम ग्रामीण दस्तकार की बात करते हैं। तो ग्रामीण दस्तकार, दस्तकार का मतलब आपको मैं समझा चुका हूँ, दस्तकार का मतलब होता है शिल्पकार, जो कि हाथों से चीज़ों को बनाते हैं, है ना। और गांव में इनकी संख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, जैसे कि बहुत सारे गाँव में लगभग 25% जो संख्या थी वो दस्तकारों की हुआ करती थी। अब कई बार क्या होता था कि मुगल ग्रामीण समाज में किसानों के बीच में और दस्तकारों के बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। इसके पीछे का मेन कारण क्या था कि कई बार किसान जब खाली समय, जब वो तो खेती करते थे किसान, लेकिन खाली समय वो क्या करते थे, दस्तकारी का काम करते थे। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं, रंगरेजी यानी कि कपड़ों को रंगने का काम कर रहे हैं, है ना, बर्तन को पकाने का काम करते हैं, या फिर औजार बनाने का काम करते हैं और उसको बाजार में जाके बेचने का काम करते हैं। तो ये सब किसान क्या करते थे, खाली समय में, और इस कारण किसानों और दस्तकारों के बीच में फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसमें एक जजमानी प्रथा के बारे में बता रखा है। जजमानी प्रथा क्या है कि जब दस्तकार जमींदारों को कोई सेवा दे रहा है या किसी व्यक्ति को कोई सेवा दे रहा है, तो उसके बदले में उसको कुछ खाने पीने के लिए चीज़ दे दिया, या फिर कुछ रोज़ के भत्ते, जो रोज़ के भत्ते होते हैं, है ना, वो रोज़ का मजदूरी या भत्ता जिसको हम बोलेंगे, वो इसको दस्तकारों को दे दिया, तो उसको हम जजमानी प्रथा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जजमानी प्रथा के बारे में आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है एक छोटा गणराज्य। छोटे गणराज्य टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की गई है, तो 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अफसर जो थे वो भारत के गांवों को मतलब एक छोटे गणराज्य के रूप में दर्शाया था। छोटा गणराज्य यानी कि क्यों कहते हो कि छोटा सा एक राज्य, ठीक है, जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते थे, आपसी भाईचारे के साथ रहा करते थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने इसको वर्णित किया था, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। ठीक है,
इसमें बहुत मतलब बहुत कुछ सच्चाई नहीं था इसमें, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे आपको पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, जाति के आधार पे या जेंडर के आधार पे, है ना, लिंग के आधार पे बहुत ज़्यादा भेदभाव उस समय देखने को मिलता था। और कुछ ताकतवर लोग ही क्या करते थे, गाँव के सभी फैसले लिया करते थे, कमज़ोर लोगों को दबाते थे, उनका शोषण करते थे। ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि जो अंग्रेज़ों ने एक छोटे गणराज्य के रूप में जो मुगल साम्राज्य के ग्रामीण इलाकों को दर्शाया था वो गलत था, और वहाँ पे भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में चार टॉपिक को समझ लिया है जो हमको समझना था, जिसमें हमने सबसे पहले जाति और ग्रामीण माहौल की हमने बात की, उसके बाद पंचायत व्यवस्था, और उसके बाद हमने समझा था ग्रामीण दस्तकार के बारे में, और आखिर में हमने एक छोटा गणराज्य जो टॉपिक है उसको भी समझ लिया है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और वीडियो को यार शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ शेयर करने के लिए, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट करते भी है, आप भी करें। आपने अगर नहीं किया तो जल्दी से शेयर वाले बटन पर क्लिक करके इसको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी हो सके आप शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल।